हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम को विस्तार पूर्वक इसको डिस्कस करेंगे। वर्ष 1925 में दो स्वीडिश इंजीनियर थे, कार्ल मोंटर्स और बल्टजर वॉन प्लेटन, जिनके नाम पर इस सिस्टम को मोंटर्स प्लेटन सिस्टम भी कहा जाता है। तो इन दोनों ने मिलकर इसको इन्वेंट किया था जब वो अपनी अंडर ग्रेजुएट कर रहे थे स्टॉकहोम में स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। उसके बाद इस आइडिया को इंग्लैंड में ल्यूटन में स्थित इलेक्ट्रोलक्स कंपनी ने इसको डेवलप किया। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स जो रेफ्रिजरेटर है, इसको अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है, वो है थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस, इनका प्रयोग करते हैं। जो अमोनिया है इसको हम रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, वाटर को एज ए एब्जॉर्बेंट हम इसमें यूज़ करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इन तीनों फ्लूड्स के बारे में हम जान लेते हैं कि जो अमोनिया है यह वाटर में डिजोल्व हो जाता है और जिससे हमें एक्वा अमोनिया यह सॉल्यूशन बन जाता है। अमोनिया में वो सभी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें चाहिए, जैसे कि लो स्पेसिफिक हीट, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और केमिकल स्टेबिलिटी थ्रू आउट साइकिल हमें जो रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा कि एब्जॉर्वर के लिए जो अमोनिया है इसकी हाई एफिनिटी होती है लो टेम्परेचर पर, और लेस एफिनिटी होती है हाई टेम्परेचर पर। अगर वाटर की बात करें तो वाटर को एक एज ए एब्जॉर्बेंट या सोलवेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। वाटर में एबिलिटी होती है कि अमोनिया को एब्जॉर्व कर लेता है, और एक एब्जॉर्बेंट के रूप में जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती हैं वो वाटर में मौजूद होती हैं, जैसे लो स्पेसिफिक हीट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल स्टेबिलिटी और मिनिमम हीट लिब्रेशन जब रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्व करते हैं। और हाई एफिनिटी होती है रेफ्रिजरेंट के लिए लो टेम्परेचर पर, लेस एफिनिटी होती है हाई टेम्परेचर पर। अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस एक लाइटेस्ट गैस है, नॉन कोरोसिव होती है नेचर में, और यह ना तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है और ना ही वाटर के साथ। वाटर में यह इनसोल्यूबल होती है, और जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रयोग हम लिक्विड अमोनिया के जो इवेपोरेशन रेट है उसको इनक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जब लिक्विड अमोनिया इवेपोरेटर से होकर गुजरता है। और जो इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम है उसके लो प्रेशर साइड में ही हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स या थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, इसमें एक कॉन्स्टेंट टोटल प्रेशर होता है तकरीबन 14 बार जिस पे ये ऑपरेट करता है। थ्रू आउट सर्किट ये कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है, और जब जो लिक्विड अमोनिया है को हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है तो लिक्विड अमोनिया बड़ी आसानी से इवेपोरेट हो जाता है, जिससे टेम्परेचर में भी गिरावट आ जाती है। और दूसरा कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन होता है वो ग्रेविटी के साथ होता है, और कुछ इलेक्ट्रिकल जो हीटर होते हैं या गैस के द्वारा जो कुछ अमाउंट हीट एनर्जी की सप्लाई की जाती है उसके द्वारा भी सर्कुलेशन होता है। और जैसा मैंने डिस्कस किया कि जो हाइड्रोजन एक लाइट गैस है और वह भी रेफ्रिजरेंट के सर्कुलेशन को फैसिलिटेट करती है, जनरेटर और इवेपोरेटर यूनिट्स के बीच में डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण। और दूसरा कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम है इसका मेन पर्पज़ होता है कि पंप और कंप्रेशर को एलिमिनेट करके बिना किसी मूविंग पार्ट की मदद से सिस्टम को नॉइसलेस बनाना। अगर मैं अब बात करूं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो सबसे पहले इसके आप पार्ट देख सकते हैं कि इसमें जनरेटर होता है, एक रेक्टिफायर या वाटर सेपरेटर जिसे बोलते हैं वो लगा होता है, एक कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है, एब्जॉर्बर होता है। तो हम बात करेंगे इसकी वर्किंग को डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर हम एब्जॉर्बर को देखें कि एब्जॉर्बर जो इवेपोरेटर से क्या होगा कि अमोनिया प्लस हाइड्रोजन मिक्सचर, इवेपोरेटर से अमोनिया और हाइड्रोजन जो मिक्सचर है वो एब्जॉर्बर में आता है, और यहाँ पर जो मिक्सचर ये आता है, जो एब्जॉर्बर है वो अमोनिया वेपर को एब्जॉर्व करता है मिक्सचर से, और जो अमोनिया वेपर है
वो यहाँ पर जो वाटर होता है वो उसमें पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है और जिससे एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है। जैसा कि हमें पता है कि अमोनिया हाइड्रोजन की अपेक्षा पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होता है, तो जैसे ही अमोनिया वेपर मिक्सचर से वाटर में डिजोल्व होते हैं तो हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण एब्जॉर्वर में ऊपर की तरफ फ्लो करती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अमोनिया वेपर की एब्जॉर्प्शन कोल्ड वाटर में ज़्यादा होती है और फास्ट भी होती है, इसलिए जो एब्जॉर्वर है इसको ठंडा रखा जाता है कूलिंग फिन्स के मदद से, या फिर एब्जॉर्वर के अराउंड कुछ कोयल्स के द्वारा भी इसको ठंडा रखा जाता है। तो इसके बाद एब्जॉर्वर के जो बॉटम है यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा एमोनिया और वाटर, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, तो इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को जनरेटर में भेजा जाता है। तो जनरेटर में जब भेजा जाता है तो बीच में कई बार यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का भी प्रयोग कर लिया जाता है कि जो हीट एक्सचेंजर है उसमें जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है उसको गर्म किया जाता है। तो उसके बाद अगर आप देखें कि जो जनरेटर है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हीटर या फिर गैस बर्नर की मदद से हीट इनपुट दी जाती है, जिससे क्या होगा कि जो एमोनिया वेपर है स्ट्रॉन्ग एमोनिया सॉल्यूशन से वो रिमूव हो जाता है। जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आया है तो यहाँ से अमोनिया जो वेपर है वो कुछ रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि अमोनिया वेपर और वाटर साथ में जाएंगे, और वो कहाँ जाएंगे, वो रेक्टिफायर या वाटर सेपरेटर में जाएंगे। तो जब वो रेक्टिफायर या वाटर सेपरेटर में जाएंगे तो यहाँ पर रेक्टिफायर का काम होता है कि अमोनिया वेपर के साथ जो वाटर पार्टिकल्स गए हैं उनको सेपरेट कर दें, उनको अलग कर दें। मतलब कि रेक्टिफायर से आगे ड्राई अमोनिया वेपर ही आगे जाएगा। अगर वाटर वेपर को रेक्टिफायर के द्वारा अमोनिया वेपर से ना रिमूव करें तो वाटर वेपर आगे चलकर इवेपोरेटर में एंटर करके फ्रीज हो जाएंगे और मशीन को चोक कर देंगे। तो रेक्टिफायर से ड्राई प्योर अमोनिया वेपर एयर कूल्ड कंडेंसर में एंटर करता है, और कंडेंसर में ड्राई प्योर अमोनिया वेपर कंडेंस होकर लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड अमोनिया तो यह इवेपोरेटर में एंटर करता है ग्रेविटी के कारण, कंडेंसर से इवेपोरेटर में फ्लो करता है, और जो इवेपोरेटर है इवेपोरेटर में तकरीबन 12 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस मौजूद रहती है। तो जैसे ही लिक्विड अमोनिया हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आता है तो उसका इवेपोरेशन हो जाता है। मतलब अमोनिया वेपर का पार्शियल प्रेशर घटकर 2 बार तक पहुंच जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार, और साथ में ही कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर भी -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो मतलब कि अमोनिया अपनी इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान अमोनिया रेफ्रिजरेटेड स्पेस से लेटेंट हीट को एब्जॉर्व करता है और कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो इवेपोरेटर से अमोनिया हाइड्रोजन जो मिक्सचर है वो एब्जॉर्वर की तरफ फ्लो करता है, और एब्जॉर्वर में अमोनिया वेपर वाटर में एब्जॉर्व हो जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो मिक्सचर से अलग होकर वापस हमारी इवेपोरेटर में चली जाती है। मतलब कि हाइड्रोजन गैस पूरे सिस्टम में एब्जॉर्वर से इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से एब्जॉर्वर में सर्कुलेट करती है। जब हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्वर से इवेपोरेटर की तरफ फ्लो करती है, जब हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्वर से इवेपोरेटर की तरफ यह फ्लो करती है तो रास्ते में हीट एक्सचेंजर में अमोनिया हाइड्रोजन मिक्सचर के द्वारा, क्योंकि अगर आप देखें ये जो लाइनें हैं तो बीच में एक हीट एक्सचेंजर होता है, जैसा आप देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र हुआ, कि हाइड्रोजन गैस से हीट ट्रांसफ़र हुआ मिक्सचर की तरफ। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो हीट ले ली जाती है मिक्सर के द्वारा ताकि हाइड्रोजन जो गैस है उसको कूल किया जा सके। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जैसे ही हमारा अमोनिया वेपर और वाटर गया था तो रेक्टिफायर से क्या हुआ कि जो ड्राई हमारे पास प्योर ड्राई जो अमोनिया वेपर थे वो तो कंडेंसर में चले गए, उसके बाद जो वीक सॉल्यूशन था अमोनिया और वाटर का वो वापस एब्जॉर्वर में पहुँच जाता है। तो ये इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार से होती है। अगर मैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है वहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब हुई है इवेपोरेटर में, उसको अगर आप डिवाइड कर दें जो हीट सप्लाई की जाती है जनरेटर में इलेक्ट्रिक हीटर या गैस बर्नर के द्वारा, तो आपको कोफिशियंट ऑफ
परफॉर्मेंस हमें मिल जाएगा, COP मिल जाएगी डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर की। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, जैसा कि नाम में आया है डोमेस्टिक, तो इसको हम एक जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन की जो रिमोट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। दूसरा कि इस सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा मशीनरी पार्ट नहीं है, जैसे ना तो इसमें पंप है और ना ही कंप्रेसर है, तो जिसके कारण इसका जो ऑपरेशन होता है वो नॉइसलेस होता है, क्वाइट ऑपरेशन होता है, और इसमें कोई वियर और टीयर भी नहीं होता, जिसके कारण इसमें लुब्रिकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, इसको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है, और ये जो पूरी यूनिट है काफ़ी कम्पैक्ट है, ड्यूरेबल है, ठीक है, और ये पूरा लीक प्रूफ सिस्टम होता है। अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की आपके साथ बात करूं तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम का जो डिसएडवांटेज सबसे मेन तो ये है कि इसकी जो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है COP बहुत कम होती है, और जिसके कारण इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में प्रयोग नहीं कर सकते, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होती है। और इसका सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर ये सिस्टम एक बार ख़राब हो गया तो इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसको हमें कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम के बारे में, कैसे ये काम करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किसने इसको इन्वेंट किया, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।